तो जैसे कि गाइस आप लोग को पता ही है, इस समय इंस्टाग्राम पर ये एन के क्रिएशन करके कोई पेज है एंड इन पर ये लोग कुछ इसी प्रकार की रील्स अपलोड करते हैं एंड इनके फॉलोवर्स आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो उसमें आप लोगों के बहुत से कमेंट थे कि यार भाई जो ये वाला फॉन्ट ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो फॉन्ट हमें कहाँ मिलेगा एंड कैसे हम एडिट कर सकते हैं। तो आज इस वाली वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वाली वीडियो को पहले लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए इन फ्यूचर लाता रहूँगा। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो को एडिट करने से पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उस पर मैं आप लोग को ये फूल वाला PNG दे दूंगा एंड जो हमारा ये इफेक्ट है ये भी दे दूंगा। 3-4 प्रकार के इफेक्ट मैंने बना लिए हैं खुद ही एंड जो फॉन्ट है वो भी आप लोग को यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो आना और इसे ज्वाइन जरूर से कर लेना। अब सबसे पहले गाइस आप लोग को अपने फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले तो इसे कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे फोर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आना है एंड इसमें आप लोग को कलर वाले ऑप्शन पर जाना है। अब यहाँ पर आप लोग को कलर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें आने के बाद यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेना, देन राइट क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। अब मैं आपको ये PNG दूंगा, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इसके बैकग्राउंड में जो है ब्लैक स्क्रीन भी आएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे किस प्रकार से ब्लैक आएगी। तो हम इसका कलर जो है पहले वाइट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि इस प्रकार से आपका भी बैकग्राउंड जो है ब्लैक ब्लैक आएगा। तो इसे कैसे रिमूव करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन पर आना एंड अब यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इरेज कलर का, इसको इनेबल करना है। अब ये पेंसिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना, देन ब्लैक कलर पे ले जाना, देन राइट क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर आप वीडियो को जब एडिट करेंगे तो बढ़िया से इफेक्ट नहीं लग पाएगा, इसलिए हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डबल टैप करके किसी का भी नाम लिख देना जिसके ऊपर आप लोग एडिटिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, देन ओके कर देना है। अब इसको हम लोग यहाँ पर बीच में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो मेन फॉन्ट है वो कौन सा है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा एंड उसको आप लोग इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, माई फॉन्ट पे जाना, यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पे जाना एंड जहाँ पर भी आप लोग उस फॉन्ट को डाउनलोड करके सेव करें वो फाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर ये रहा हमारा फॉन्ट, अब इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देन ओके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग को टेक्स्ट साइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से हम इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे जितना भी आप लोग को ठीक लगे। देन राइट क्लिक कर देना है एंड अब यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट में थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग को ए वाले ऑप्शन पर आना है एंड यहाँ पर आप लोग इसकी शैडो को इनेबल कर देना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी शैडो इनेबल करने पर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब यहाँ पर आप लोग फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना एंड टेक्स्ट में जाना। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो 3-4 इमोजीज़ को ऐड कर लेना या फिर आप लोग अपना यूज़र नेम ID भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके में भी शैडो ऑन कर देंगे ब्लैक वाली एंड यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी इनेबल कर देना है एंड इसको हम लोग नीचे की ओर यहाँ पर कहीं पर भी रख लेंगे। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी इमेज बन करके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से हम लोग वाली इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे एंड इसको एक्सपोर्ट करने के बाद अब आप लोग को अपने फ़ोन में BN एप्लीकेशन को ओपन करना है। जब तक BN एप्लीकेशन ओपन हो रही है यार आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग एक ब्लैक स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना जो कि मैं आप लोग को टेलीग्राम पर दे दूँगा एंड इसके बाद यहाँ से आप लोग को 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें BN का लोगो देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो हम इसी को डिलीट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग जो अपनी ब्लैक स्क्रीन है इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पहले एक ऑडियो को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना एंड हम लोग चले जाते हैं इंपोर्ट वाले में, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाएंगे, देन ओके कर देना। अब यहाँ पर कोई भी वीडियो का आप लोग ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसका सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन सेव करके ओके कर देना है एंड इसे आप लोग कहीं पर भी सेव कर लेना एंड राइट क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हमारा म्यूज़िक भी है ऐड हो चुका है। अब जहाँ तक हमारा म्यूज़िक है उसी लेयर तक हम लोग जो है ब्लैक स्क्रीन को रखेंगे अपनी। अब यहाँ पर आप लोग को PIP वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड वीडियो फोटोज़ पर जाना है। अब जो हमने अभी इमेज एक्सपोर्ट की थी उस वाली इमेज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड अब इसके बाद यहाँ से इसके साइज़ को आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना कुछ इतना। अब हमने इसको इतना कर लिया, अब आप लोग को करना है अपनी इमेज वाले इस इमेज को आप लोग को एंड तक ले जाना है वीडियो के एंड अब यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा
मस्क करके, इसमें आने के बाद आपको मिरर वाले ऑप्शन पर जाना है। एंड सबसे पहले तो आप लोग इसको थोड़ा सा पास में ले आना इतना, एंड इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेंगे, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं टच शो हो रहे होंगे आपको। अब इसको आप लोग बिल्कुल शुरू में ले जाएं, एंड यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना है 0.55 सेकंड तक, एंड इसको थोड़ा सा आगे की ओर ले जाएंगे। देन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और आगे करते हैं इसे 1 सेकंड के पार। अब इसको यहाँ पर ले जाते हैं एंड 1.40 सेकंड पर अब आप लोग को इसको पूरा खोल देना है, ठीक है, फुल कुछ इस प्रकार से। देन राइट क्लिक कर देना, तो आपको कुछ ये इस प्रकार से दिखाई देगा। एंड अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, फिर से PIPL ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो फोटोज़ पर जाना है। अभी जो हमने इफेक्ट स्मोक इफेक्ट है वाली वीडियो को ऐड कर लेते हैं, एंड ये हमारी वीडियो है। अब इसके साइज को भी हम यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग ब्लेंड वाले ऑप्शन पर चले जाना, एंड इसको हम लोग कर लेते हैं लाइटन, देन राइट क्लिक कर देना। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग को जहाँ पर भी ये इफेक्ट बढ़िया लगे वहाँ से इसको ऐड कर लेना। अब जैसे कुछ इतना पार्ट मुझे बेकार लग रहा है तो इसको हम यहाँ पर ट्रिम करेंगे। देन इसके बाद इसको उठा के हम लोग आगे की ओर रख देते हैं, एंड यहाँ पर हम इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप लोग अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अच्छी वीडियो, आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।